किसी परिचय के मोहताज तो प्रवीण डागर है नहीं, हथीन के विधायक हैं। आजकल इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, बाबू रामजी लाल डागर जी। और कल प्रवीण जी एक वीडियो बनाया था, हमने बड़ी अच्छी चर्चा की थी हथीन की। उसमें उदयवीर सहरावत मेरे साथ में थे, आज वो नहीं आ पाए, कोई इनके परिवार में कोई ट्रेजेडी हो गई अचानक से। तो प्रवीण जी पहले तो आप ही बताएं कि हथीन के लिए क्या कुछ विशेष हुआ और क्या बाकी रह गया। देखिए मग्गू साहब, देश रोजाना का जो ये कार्यक्रम आपने किया, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपने प्रदेशवासियों को और देशवासियों को कल के जन्माष्टमी के त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं जी। और हथीन की अगर चर्चा करें तो पिछले 10 वर्षों में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 10 वर्षों में लगातार निरंतर बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तहत हमने पूरे हथीन क्षेत्र के अंदर विकास कार्य कराने के प्रयास किए। विधायक जी सीधा सवालों पे आते हैं जी। आपके गांव की पीएचसी है जी, सबका साथ सबका विकास कर दिया, अपने गांव की पीएचसी का विकास हुआ नहीं ऐसा? मक्कू साहब, हमने उसके 7.5 करोड़ रुपए मंजूर कराए और उसमें थोड़ी जिसके नाम टेंडर अलॉट हुआ, वो ठेकेदार ने कोई दूसरे ठेकेदार को सब टेंडर दे दिया जी। उसकी वजह से उसमें लापरवाही, उसको बार बार नोटिस दिए गए। लेकिन अब बरसात के बाद नेक्स्ट मंथ में उसका काम शुरू हो जाएगा। उनके खिलाफ नोटिसों का उन्होंने जवाब दे दिया और उन्होंने टाइम लिया है कि अगले बारिश के बाद 15 दिन के बाद हम काम शुरू कर देंगे। गाँव में कहावत आती है और दोहा है, का बरखा जब कृषि सुखाने जी। आगे आपकी सरकार आएगी या नहीं, नहीं आएगी? वो तो आ ही रही है। चलिए आप आश्वस्त हैं, दूसरे वाले भी आश्वस्त हैं, फैसला जनता ने करना है। 5 साल पूरे हो गए जी जब आप विधायक बने थे, मुझे ध्यान है कि उसके लगभग 1.5 साल बाद आपकी उस पीएचसी घोषणा हुई थी। ठेकेदार ने नहीं किया, अधिकारी ने नहीं किया, अधिकारी ठीक नहीं आए, जवाबदेही से बचते क्यों हैं जनप्रतिनिधि? अधिकारियों की बात नहीं, देखिए उसमें 2022 में मंजूर हुई, 23 में काम स्टार्ट करना था, 18 लगभग 24 महीने का उसमें समय था जी। उसमें थोड़ी शुरू हो जाती है, 24 में बन जाती है आराम से। तो उसमें थोड़ी लापरवाही हुई है ठेकेदारों की वजह से, तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं और उसको नोटिस दे के नोटिस का जवाब दे दिया। ब्लैक लिस्टेड करवाया उस ठेकेदार को, या तो काम शुरू करवा देंगे, नहीं ब्लैक लिस्ट। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपकी सरकार चली जाएगी तो फिर ब्लैक लिस्टेड आप थोड़ी करवाओगे फिर? कोई ब्लैक लिस्ट हम ही करवा देंगे अगर हमारी सरकार रहेगी, आप निश्चिंत रहें। अच्छा, आप ये मानते हो कि वो जनता के साथ तो कम से कम ठीक नहीं हुआ? चलो थोड़ी लापरवाही रही है, लापरवाही तो चलो है कोई। आपका हथीन का बाईपास बनाया है विधायक जी जी, बड़ी लोगों की डिमांड थी, मैं परसों निकल के आ रहा था वहां से, गुणवत्ता ठीक नहीं लग रही उसकी। आपने कभी उसकी विजिबिलिटी चेक की है, देखा है उसे क्या? देखिए हमने अधिकारियों को सीधे आदेश दे रखे हैं कि कहीं भी कोई सड़क बन रही है या कोई बिल्डिंग बन रही है, उस पर अच्छी क्वालिटी की, उसकी अच्छी क्वालिटी हो और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कोई भी काम जो हुआ है, चाहे सड़कों का हुआ, सारी अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाई जा रही है। तो आपकी वाली सड़क बाईपास ठीक बना हुआ है क्या? हथीन बाईपास अच्छा, मुझे लग रहा है कि उसके अंदर जो मैं देख रहा था, मैंने अभी 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 जब फाइनल होगा तो जब जाके वो आपको दिखाई देगा। अभी फाइनल नहीं, अभी थोड़ा को हो गई ना, सारी पेमेंट नहीं हुई अभी तो वहाँ पे 90% पेमेंट हो गई सर, मैंने पता किया वहाँ पर कल परसों अधिकारियों से साथ साथ। वहाँ पे 1.5 एकड़ में हाँ कोर्ट का डिस्प्यूट है थोड़ा, हाँ किसानों का आपस में डिस्प्यूट है, तो केस वहाँ पे कोर्ट में है। जैसे ही कोर्ट का डिसीजन होगा उसके बाद जो थोड़ा सा वो एरिया रह रहा लगभग 2 एकड़ लंबाई का, तो जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आएगा, बोल रहा हूं जो बनी हुई रोड है ना, वो तो जब फिनिशिंग करेंगे उसके बाद देखना ना आप, अगर कहीं कोई कमी हो तो। जब फिनिशिंग करेंगे, अभी फिनिशिंग थोड़ी हुई है जी, अभी तो काम चल रहा है। आपके एरिया की नहीं है, मैं आपके पलवल एरिया की मैंने कुछ आरटीआई लगवाई हुई है जी। बात ये आ जाती है कि सड़क बनती है, सड़क बनने के ठेकेदार को पैसे दे दिए जाते हैं, सड़क की मिनिमम जो जब वो है उसकी जो उम्र रखी गई है वो 36 महीने है, 3 साल पूरे छोड़ो, बहुत दूर की बात हुई, 3 महीने बाद उखड़नी शुरू हो जाती है। अगर कोई उसके बाद फिर नया टेंडर हो जाता है। अगर कोई सड़क बरसात के टाइम में बनती है तो वो तो 7 के साथ टूट जाएगी, लेकिन जो सड़क गर्मियों के मौसम में बनी है वो सारी सड़कें 2-2, 3-3 साल आराम से चलती है। और अब तो ठेकेदार को 3 साल तक रिपेयरिंग भी उनकी जिम्मेवारी है। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ,
कि अभी मैं आपसे पलवल की बात आपसे कर नहीं सकता, पलवल वाले आएंगे तो उनसे बात करूंगा उस टाइम। जी सड़क बनी जी, उसका टेंडर नया हो गया, अब 17 महीने पहले सड़क बनी थी, कहाँ गई उसकी जवाबदेही, कहाँ गई जिम्मेदारी, रिपेयरिंग कहाँ गई? चलो ये पलवल का कोई मैटर होगा, मेरे संज्ञान में तो हमारे अधीन के अंदर जो भी सड़क बनी है अच्छी क्वालिटी की सड़क बनी। चलिए प्रवीण जी, कितना आप ये मानते हैं कि 5 साल में हथीन की जनता को, 5 साल आप विधायक थे जी, इससे पहले 5 साल आपकी, हालांकि वो जो विधायक थे वो भी अब आपके पास ही हैं, बाद में आपके पास ही आ गए थे जी, आपके टाइम के जो आपका 5 साल है जी, कितने नंबर खुद को देते हैं? क्योंकि आदमी खुद का आईना, सबसे बड़ा आईना खुद है। देखिए नंबर तो जनता ही देगी, लेकिन हमने जो जनता ने जिम्मेवारी हमें दी, संतुष्टि कितनी है हमारी? पूरी संतुष्टि है, जनता ने जो जिम्मेवारी दी हमने बिना किसी भेदभाव के, ईमानदारी और सच्चाई के साथ हमने पूरे 5 साल लगातार सेम लगन के साथ काम किया। सेम की समस्या थी आपके हथीन की? सेम की समस्या के लिए हमने लगभग 150 से ऊपर ट्यूबवेल लगवाए जी, लगभग 150 से। टोटल लगने कितने थे? टोटल 155 के लगभग ही है वो तो, 200 कुछ जानता ना, ना वो तो 62 ट्यूबवेलों की एक लिस्ट मेरी और जा रही है अभी। अच्छा। वो अभी अप्रूव्ड हुई है। अच्छा। इसी महीने में। हाँ। उनकी अभी एस्टिमेट बनेंगे, फिर टेंडर प्रक्रिया होगी, वो उसमें भी थोड़ा समय भी लगेगा। उन सबसे सेम की समस्या कितनी समाधान हुआ, क्योंकि लेकिन हथीन के अंदर जो सेम की समस्या थी वो लगभग 7-8 हजार एकड़ में सेम की समस्या थी, और लगभग 60% जमीन सेम के समाधान हमने कराया, 60% लगभग 60% जी, क्योंकि अभी सारे ट्यूबवेल अभी चालू भी नहीं हुए हैं, कुछ ट्यूबवेल हैं जो अभी बरसात की वजह से जिन पे लाइन नहीं पहुंच पाई या किसी पे ट्रांसफार्मर नहीं पहुंच पाया, बिजली की थोड़ी सी कमी रह रही है, जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होगा उस पर बिजली के वो ट्रांसफार्मर रख दिए जाएंगे और वो भी चालू हो जाएंगे, तो किसानों को बहुत ज्यादा इससे, जो सेम के ट्यूबवेल लगवाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इससे फायदा हो रहा है। किसानों से जुड़ी एक समस्या और है दूसरी जी। दूसरी समस्या किसानों से जुड़ी, एक तो मैंने सेम वाली आपको बताई, दूसरा टेल तक पानी। कब तक किसान इंतजार करता रहेगा? आपकी सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, नए नेता आते रहेंगे, नई सरकारें आती रहेंगी, एक दूसरे पर दोषारोपण यही चलता रहेगा हमेशा क्या? देखिए हमने टेल तक पानी पहुंचाने के लिए प्रयास भी किए जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के आशीर्वाद से नहरों को पक्का करने का भी काम किया, और जहाँ पे नहरें पक्की हैं वहाँ पे ज़्यादातर टेल पे पानी सर्दियों के मौसम में तो पहुँच जाता है, लेकिन गर्मियों में पानी की जब बरसात नहीं होती, जब फसल को जरूरत है तब तो पहुँचता नहीं ना, ना फसल, फसल को जरूरत तो गेहूं में भी होती है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में तो पानी लगते रहते हैं, तो अंदोप ये अपना रजवा है, 3-4 रजवा है टेल तक पानी पहुंचा है वहां पे, जहां पे आज तक पानी नहीं पहुंचा जी। एक बार तो उटावड़ में आपने देखा होगा लास्ट ईयर, उटावड़ की जोड़ भी भरने का काम किया, टेल तक पानी पहुंचाने का काम जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे जरूरी है जी। कभी बहीन से चंडीगढ़ की बस चलती थी जी, अब हथीन से ही बस नहीं चल रही, आपका बस अड्डा बना हुआ अरसा बीत गया जी, झाड़ियाँ उग जाती हैं उसमें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है नहीं कुछ भी, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिना, खासकर आपके जैसे एरिया में जी, सबके पास गाड़ियाँ भी नहीं है जी, सबके पास सुविधाएं भी नहीं है। देखिए वहाँ पे हमने हथीन से चंडीगढ़ के लिए सीधी बस चलवाई, ठीक है, और 2-2.5 महीने वो बस चली, ठीक है, लेकिन आजकल हर व्यक्ति के पास साधन है अपने, मैं कह रहा हूँ लोकल रूटों पे तो कोई सुविधा है ही नहीं, हर व्यक्ति के पास अपने साधन है भाई साहब, आप देखिए रात आप देखिए, हमने जब चंडीगढ़ की बस चलवाई आपको रात को लोग खड़े मिल जाएंगे, आप किस दिन मेरे साथ रुक जाइए सोना मोड़ थोड़ी देर के लिए, अगर किसी किसी रोड पे 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति किसी कारणवश लेट हो जाते हैं जी, तो 2-4 व्यक्तियों की तो आप देखो तो सही वहां पे क्या, मैं कह रहा हूँ 2-4 व्यक्तियों के लिए हथीन से चंडीगढ़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, चंडीगढ़ का मैंने आपका मान लिया आपने चला दी, मैं ये बोल रहा हूँ जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना नहीं चाहिए क्या? देखो लोकल रूट पे लास्ट बस है, शाम के टाइम निकलते हैं जी, सारे रूटों पे सफिशियंट है, संतुष्ट है आप उससे, क्या बढ़नी चाहिए? चलो बढ़ने की अगर कोई बात है, ऐसी डिमांड कोई हमारे यहाँ पे आई थी अभी, अंधोप वाली बस अभी बंद कर दी सवारियों की वजह से, लेकिन हमने वो फिर शुरू करवा दी, अंधोप से बल्लमगढ़ जी, होटल से सोहना बस चलवा रखी है, जहां पे भी रूट बनता वहां पे हमारा प्रयास है कि लोगों को सुविधाएं मिले जी, लेकिन जहां रूट बनता नहीं वहां पे तो थोड़ी, फिर आप भी देख रहे हो आप समझदार हो, हथीन वाला बस स्टैंड
हथीन वाला बस स्टैंड हमने तैयार करवा दिया था और आज भी वहां पे उनके कर्मचारी बैठ रहे हैं, वहां पे बस भी आ रही है, खड़ी हो रही है, बस चलनी शुरू हुई है वहां से। वहां से दो तीन बसों का रूट है वहां पे, बाहर से निकलती है, बाहर से निकल, बस स्टैंड में नहीं जाती है, रूट वहां पे जाती है, अंदर भी दो तीन बसें अंदर जाती है। चलिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितना होना चाहिए, मैं भी समझता हूँ कि आप उतने संतुष्ट आप भी नहीं हो जी, आपकी बातों से लग रहा है मुझे। वैसे हर व्यक्ति के पास आजकल साधन है, हर व्यक्ति अपने साधन के हिसाब से, कोई इंतजार करना भी नहीं चाहता। प्रवीण जी, इसके बावजूद आप निकल कर देखिए, आप आपको पलवल की, क्योंकि मैं हालांकि पलवल की बात भी आपसे कर लेता हूँ उसमें, तो जी आपके एरिया से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते होंगे नौकरी करने, फरीदाबाद, बदरपुर, दिल्ली, इस साइड जरूर। जी जी, ट्रेन की संख्या जो थी, यहाँ पर हमारे साथी बैठे हुए थे, पहले उन्होंने कहा ट्रेनों की संख्या घट गई, उसके बाद बढ़ी नहीं आज तक भी। कोविड के दौरान में आपने जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उसमें मौका ढूंढा गया, वो मौका ढूंढ लिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का, गरीबों के लिए ट्रेन नहीं बची। आप सुबह के टाइम जाकर निकल के देखो जी। जिन लोगों की सैलरीज 8-8, 9-9 हज़ार रुपये हैं, उनको मजबूरी में मोटरसाइकिलें लेनी पड़ी, मोटरसाइकिल के तेल के पैसे उनके पास कई बार नहीं होते जी। आप कह रहे हो जरूरत नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, आप कह रहे हो ना, वहाँ पे जो ट्रेन की बात थी, ट्रेन के लिए मैंने, आप देखो मक्कू साहब, मैंने जो अपने आगरा के अपने DMR हैं जी, DRM है, इनको भी एक लेटर लिखा था 2023 में जी, ये लेटर देके 2023 में, और मैंने मांग करी थी जी, मैंने कि जो हमारे ये सर्कुलर बंद है, गाजियाबाद, आपने गाजियाबाद ये EMU चलाने के लिए आपने मांग की। हाँ हाँ, लोकल सांसद से नहीं कहा कि आप मांग करो? माननीय मंत्री जी से भी हमने एक दो बार कही थी, और मंत्री जी ने, जो अपने रेल मंत्री हैं, उनको भी लेटर लिखा था। विधायक ने मंत्री से कहा, मंत्री ने रेल मंत्री से कहा, रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री ने फिर DRM से कह दिया होगा, जनता की समस्या जस की तस। चलो और चलो, आपकी तिश्री, और प्रयास करेंगे, आपने कोशिश कर ली, आपकी तिश्री हो गई, जनता को कुछ मिला या नहीं मिला। चलिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अब हेल्थ पे आ जाते हैं वापस जी। प्रवीण डागर के गांव की CPSC बनी नहीं जी, टेंडर हो गया जी, भाई नहीं पाए विधायक के गांव की, औरों का क्या हाल होगा विधायक जी? ना PSC में सभी में डॉक्टर है, सभी में स्टाफ है, आपके हथीन का सरकारी अस्पताल है जी, जंग लग जाता है वहाँ की अल्ट्रासाउंड मशीन को, अल्ट्रासाउंड करने वाले लोग नहीं होते। अब वैसे स्टाफ की तो कोई कमी है नहीं, डॉक्टरों की भी संख्या पूरी है सभी जगह, और कहीं कोई मशीन में, मैंने ही उसका उद्घाटन किया था वहाँ पे जी, जब वो शुरू करवाई थी, दो चार बार देख भी आते जाके, दो तीन बार मैं देख के भी आया था जी, और वहाँ पे छोटी मोटी कोई कमी जी वो दूर भी करवाई एक दो बार जी जी, और अगर कोई ऐसी कमी होगी तो और दूर करवा देंगे। मानपुर वाला CHC, मानपुर में CHC, नांगल, नांगल की CHC, नांगल जाट, वो भी काम नहीं कर रही नांगल जाट में, तो स्टाफ चल रही है वहाँ पर, स्टाफ ना स्टाफ है वहाँ पे, है स्टाफ, डिलीवरी भी हो रही है, उटावड़ के अंदर डिलीवरी हो रही है, कलसाड़े के अंदर भी है जी, डिलीवरी हट तो आपने बंद करवा दी थी आपके सरकार ने, उन्हीं के अंदर CHC PSC में डिलीवरी हट शुरू की गई थी जो पहले थी। खैर, प्रवीण डागर जी, एजुकेशन के मामले को लेकर के जी, आपकी सरकार ने बिल्डिंग तो खूब बना दी जी, बिल्डिंग बनाने के बाद में वो हैंडओवर भी कर दी जी, बच्चे वो बिल्डिंगों को देख करके पढ़े या मास्टर पढ़ाएंगे उनको, अध्यापक पढ़ाएंगे? देखिए, वैसे तो लगभग 8,000 TGT अभी उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं जी, मेवात के अंदर अलग से लगभग 1300 टीचरों की जी जी ज्वाइनिंग करवाई है, आपका HKRN के थ्रू भी हम ले रहे हैं। कॉलेज में स्टाफ पूरा नहीं जी, गवर्नमेंट घर कॉलेज में स्टाफ पूरा नहीं जी, पलवल की मैं छोड़ रहा हूँ, पलवल के तो हरित बेसरा रोज चिट्ठी लिखता रहता है, उसमें फेसबुक पे डालता रहता है कि विधायक को फोन करता रहता है, वो रिकॉर्डिंग सुनवाता है उनकी जी, आपके वहाँ भी नहीं है, पलवल में भी नहीं है, कहीं है ही नहीं कुछ भी? कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में व्यवस्था भी हो जाएगी, वैसे सरकार पूरे प्रयासरत है, जैसे अभी इतने 8,000 जी, लगभग 8,000 TGT अभी जो सर 10 साल बीत गए जी प्रयास करते करते, अब की बार हो जाएगी इनकी व्यवस्था, अभी वैसे करवा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ जी, हमारी सरकार ने इतने प्रयास किए हैं, पहले जहाँ पे बिल्डिंगें नहीं थी, हाँ, पिछली सरकार आपने देखा होगा, जहाँ पे बिल्डिंगें भी नहीं थी, मैंने बिल्कुल कहा, टीचरों की बात तो छोड़ो, जब बिल्डिंग भी नहीं थी, अच्छा माहौल, अच्छा प्लेटफॉर्म, विधायक जी मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आपने बिल्डिंगें बनवा दी, तो इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं, वैसे कहीं कोई ऐसी दिक्कत है तो डेप्टेशन पे भी हमने वहाँ पे एडजस्टमेंट करवा रखी है। सर, पलवल के कॉलेज का प्रिंसिपल कहता रहा कई बार कि मैंने खूब मांग कर ली, नहीं मिले टीचर्स, पलवल के कॉलेज का प्रिंसिपल, पलवल के तो चलो मंगला जी बताएंगे, लेकिन हमने वहाँ पे अपने, मंगला जी भी आते होंगे शायद, उनसे ही पूछेंगे जरूर, बिल्कुल शायद पहुँच रहे हैं थोड़े जी,
लेकिन हमने अपने वहां पे जहां पे भी टीचरों की जी किसी भी गांव से कोई भी मांग आई है जी या कॉलेज की लेक्चरर की मांग आई है तो हमने वहां पे डेप्यूटेशन करवाई है या कैसे एडजस्टमेंट हमने वहां पे करवा दिया। चलो विधायक की चुनाव की कितनी तैयारी है? चुनाव की तो हमारी लगातार ही तैयारी रहती है। 5 साल से चली रहे हो? 5 साल से लगातार चुनाव की तैयारी पहले दिन से ही थी। हाँ, अभी एक चिट्ठी लिखी है आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, मोहनलाल बड़ोली जी ने जी, और उसमें कहा है कि भाई चुनाव को 6-7 दिन पीछे कर दो, डेट बढ़ा दो जी। शैलजा कह रही है इनकी छुट्टी होने वाली है तो ही छुट्टी का बहाना कर रहे हैं जी। उस समय 3-4 छुट्टियां लगातार हैं तो उस वजह से थोड़ा लोग बाहर घूमने भी चले जाते हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने पार्टी संगठन ने हाँ सबसे विचार करके किस प्रकार से 30 सितंबर की छुट्टी नहीं है जी, 30 सितंबर का सोमवार है जी, उसके बाद 1 अक्टूबर आएगा, 1 अक्टूबर का मंगलवार है जी। अगर हम ये कह रहे थे वीकेंड का लिखा गया है, मैं वो चिट्ठी पढ़ रहा था जी, वीकेंड तो रहा ही नहीं, वीकेंड तो वीक का तो पहला दिन है जिस दिन सब कुछ खुलेंगे जी, वीक के दूसरे दिन इलेक्शन है जी। शैलजा कहीं ठीक तो नहीं कह रही? शैलजा क्या ठीक कह रही है? शैलजा ये कह रही है कि इनकी छुट्टी होने वाली है इसलिए छुट्टी का बहाना बना रहे हैं। वो तो जनता तय कर देगी किसकी छुट्टी होगी जी, उनकी तो हुई पड़ी है पहले से ही तो इनकी फिर तीसरी बार फिर छुट्टी होगी, तीसरी बार डेपुटेशन पे और भेजोगे उनको, यानी कि जनता मूड मन बना चुकी है जी। एक तरफा प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जो रात को 12 बजे भी अगर कोई आम जन से कोई भी व्यक्ति गया तो उसे मिलने का काम किया। 2 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर लिया आपने 5 साल में जी, मनोहर लाल जी के साथ कर लिया लगभग 4.5 साल और लगभग 5-5.5 महीने हो गए नायब सैनी जी के साथ जी। दोनों मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली में क्या फर्क देखा आपने? दोनों मुख्यमंत्री अच्छे हैं जी, दोनों मुख्यमंत्री अच्छे हैं। कोई तो कारण होगा बदलने का? बदलने का शीर्ष नेतृत्व, देखो ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनका काम है। चलो उनका फैसला उन पर छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे दोनों मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी ने प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा माहौल तैयार किया कि बिना खर्ची बिना पर्ची 1,40,000 नौकरियां। अभी रघुवीर सिंह तेवतिया गए थे यहां से थोड़ी देर पहले जी, कह रहे थे रिकॉर्डिंग सुनवा दूंगा जी, पर्ची खर्ची वाली बात पर कोई सबूत नहीं है, ये तो कहने वाली बात है। अच्छा अच्छा, कोई सबूत नहीं है। 1,40,000 नौकरियां बिना खर्ची और बिना पर्ची, एक एक परिवार में 3-3 भाई जी, सगे 3-3 भाई जी, ये उदाहरण है पहली बार। हाँ, अभी जो TGT के ज्वाइनिंग लेटर दिए गए, एक मेवात का गांव है उसमें 3 भाई सगे भाई हैं, उन 3 भाइयों को नौकरी मिली। आप हमारे फिरोजपुर राजपूत से हमारे उदय प्रधान जी बैठे हैं जी, एक गरीब लेडी जो चूड़ी बेच के अपना गुजारा करती थी जी जी, उसका बेटा बिना खर्ची और बिना पर्ची के सब इंस्पेक्टर लगा जी। और भी कितने उदाहरण, मानपुर के अंदर एक लड़का SCS लगा जी, और भी कितने उदाहरण है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची जो नौकरी लगी है जी। और पिछली सरकारों में जी, पिछली सरकारों में खेत गिरवी रखे गए हाँ, खेतों की रजिस्ट्री हुई हाँ, और पैसे से जो नौकरी लगाई गई, पुलिस का अलग रेट था, टीचर का अलग रेट था। और पहली बार पिछले 10 साल में हमारे एक भी विधायक पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा जी। और उससे पहले आपने देखा होगा, उससे पहले आपने देखा होगा कि कई विधायकों पर, आज भी देख रहे हो आप जी, कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में कहां से जुटाई आए, वो तो पुराने वाले हैं। हाँ, तो पुराने वाले ही तो कह रहा हूँ मैं, वो कह रहे हैं ये जबरदस्ती भेज रहे हैं। अच्छा, जबरदस्ती कैसे भेज देंगे? जबरदस्ती हमें कैसे ना भेज दे कोई जी, जबरदस्ती हमें भेज दे कोई, कैसे भेज देगा जी। तो बिना खर्ची बिना पर्ची की ये बड़ी बात जी, सबका साथ सबका विकास जी, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में हाँ, और सड़कों के जाल बिछाने की अगर बात हो तो पहली बार सड़कों का जाल बिछाने का काम किया जी। जितने भी रास्ते 80% रास्ते हमने पक्के कर दिए। पहली बार अतीन के अंदर 42 सड़कें जी, मार्केटिंग बोर्ड से और PWD से हाँ, दोनों डिपार्टमेंट से 42 सड़कें बनवाने का काम किया जी। और कई तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं जो विरासत में मिली, मानपुर की फिरनी लगभग 25 वर्ष से, हम तो जब कॉलेज में पढ़ा करते थे जी, जब से देख रहे थे उसे, मानपुर की फिरनी पहली बार 25 वर्ष में हाँ, हमने बनाने का काम किया जी जी। और भी कितने काम है,
पांच पांच छह छह स्कूलों की बिल्डिंग, लगभग एक दर्जन स्कूल अपग्रेड कराने का, सड़कें सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, आम जन को जो सुविधा जी, 266 केवी के सब स्टेशन जी बिजली के क्षेत्र में जी, एक जैंदापुर के अंदर लगभग 70% काम हो गया और टावर के अंदर आने वाले दिनों में काम शुरू करवा दिया जाएगा, टेंडर हो गया उसका भी। और भी कितने काम हमारी सरकार ने करवाए हैं आम जनता के हित में, जो भी आम जनता को जो जरूरत है। आजकल टिकट की भागदौड़ चल रही है विधायक जी, जी भागदौड़ करनी पड़ रही है, वैसे ही बात बन जाएगी। भागदौड़ तो चली रही है, सब मांग रहे हैं, टिकट मांगने का अधिकार है सबको जी, जी। आपको क्या उम्मीद है, पार्टी भरोसा वापस करेगी? पार्टी भरोसा कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, मंत्री जी का आशीर्वाद है जी, और हमारा तो सीधा है, टिकट देंगे चुनाव लड़ देंगे, टिकट नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। खैर प्रवीण डागर के सामने नहीं कहना चाह रहा था मैं, आपके लिए आपके इलाके के लोग कहते हैं कि भोला आदमी है, अच्छा विधायक भोला है, धन्यवाद। आपके इलाके के लोग भी बैठेंगे ये भी बता देंगे। अभी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।